लड़कियों में भी बहुत ज्यादा शक्ति है, पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। गांव हसनगढ़ इतनी तरक्की पे चल रहा है, जो कि लड़की होकर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है इन्होंने कर्नाटक में जाकर। देखिए आजकल के समय में मतलब लड़कियों और लड़कों में कोई फर्क नहीं रहा। यहाँ स्पेशल हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों भाई सतीश दुनोता की राम राम। फिलहाल खड़े हैं भाई हसनगढ़ गांव में, लगातार भाई देखने लग रहे हरियाणा के अंदर मेडल पाए, मेडल बरसन लग रहे हैं। फिलहाल हसनगढ़ गांव में भाई एक गुग्गल नाम ये गुड़िया है जो भाई कबड्डी के अंदर भाई गोल्ड मेडल लेके आई है। लेकिन आप देखने लग रहे हो बारिश का मौसम है, ये देख सो भाई बारिश होने लग रही है। लेकिन बारिश होने के बावजूद भाई गाँव ने बहुत अच्छा स्वागत किया है भाई। भाई ये देखो पूरा गांव की महिलाएं और भाई जो युवा सब यहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन बात करांगे जो गांव के सरपंच है और भाई जो है उसका टीचर भी आ रहा है और उस बुग्गल जो गोल्ड मेडल लेके आई भाई उनसे भी पूरी की पूरी बात करांगे, आखिर किस प्रकार के गेम थे, कहां पर ये गेम थे, तो पूरी जानकारी ले। तो बधाई हो बेबे, थैंक यू सर। के नाम बेबे का? बुग्गल जी। आज कैसा महसूस होने लग रहा है कि आज आपके गांव के लोगों ने आपको इतना मान सम्मान दिया है, आप जो गोल्ड लेके आए हो? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि गांव वाले हमारे साथ सपोर्ट करते हैं। ये हमारे कोच है, ये हमारे डिप्टी सर और मेरे भाई टिंकू है। इससे पहले भी आप गोल्ड लेके आई? हाँ, सब जूनियर में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। सब जूनियर में नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। तो फिलहाल सरपंच साहब इनसे बातचीत करना। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है जी अपना? मेरा मोनिका नाम है। मोनिका जी, आज जो मतलब गांव की बेटी मतलब उस लेवल पर जाके पूरे देश मतलब गोल्ड मेडल लेके आवे है और आज ये गांव के अंदर पहुंची है, तो किस तरह का आपको मतलब फील होने लगा, क्या कुछ कहना है? देखिए सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारा गांव हसनगढ़ इतनी तरक्की पे चल रहा है, जो कि लड़की होकर इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है इन्होंने कर्नाटक में जाकर, और इतने अच्छे से स्वागत किया है सभी गांव वाले ने। मैं कहती हूँ कि इनके ऊपर आशीर्वाद बना रहे, और सभी माताओं को मैं कहती हूँ कि बहनों को कि अपनी इस लड़की की तरह ही और बच्चों को मतलब लड़कियों को भी इसी तरह भी अपने स्पोर्ट्स में बढ़ावा दे और इनकी तरह जीत के आए और गोल्ड मेडल लेके आए और हमारे गांव का नाम रोशन करे। और इससे बढ़कर के तो क्या बात होगी, इन्होंने जो गोल्ड मेडल जो हासिल किया है, फर्स्ट पोजीशन जो आई है कर्नाटक में इनकी, तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर बार मतलब कि ऐसे ही मतलब जीतते रहे, अपना होशियार मत तोड़े और अपनी उम्मीद बनाए रखे, तो वो उम्मीद हमेशा पाकर ही रहोगे आप। धन्यवाद। देखो एक पर्दा प्रथा की बात करा, महिलाओं की बात करा, आज भी बेटियों को मतलब वो इतनी आजादी नहीं है, वो पंख नहीं है बेटियों को लगने देने। लेकिन बहुत सी पीछे गए जुलेड़ा गांव की एक बहू भी गोल्ड मेडल लेके आई, तब भी मैंने उसका इंटरव्यू किया था। और जैसे कि आप भी एक गांव के सरपंच हो, महिला हो, तो पहले महिलाओं को इतने प्राथमिकता नहीं दी, आज जिस तरह आप भी सरपंच और बेटी जो कि एक लड़की होते हुए मतलब गोल्ड लेके आई है, तो जो और जो समाज है उसको क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए आजकल के समय में मतलब लड़कियों और लड़कों में कोई फर्क नहीं रहा। यहाँ तक ये देखो कि आप बता रहे हो कि कबड्डी में बहू भी जीत के आ रही है, वो भी किसी की लड़की मतलब बहू बन के भी जीत के आई है, तो मैं कहती हूँ कि ये बहू बनकर भी जीते आगे पद पर। और आजकल किसी भी इस तरह का वो मतलब किसी चीज का भेदभाव मत लेके आओ, भी ये लड़का की लड़की है, लड़कियों को आगे से आगे पहुंचाओ, भी हमारी लड़कियां किसी चीज से कम नहीं है, लड़कियों में भी बहुत ज्यादा शक्ति है, पावर है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ जी, धन्यवाद। कोच साहब है ये जो मतलब ग्रामीण क्षेत्र की बात करना, देखो भाई शहर का मैं मोटा पीसा होगा, आपके बड़कन ने एक तैयार कर खतर मोटा हुआ पीसा लाश का, लेकिन हरियाणा के अंदर भाई ग्रामीण लेवल पे एक पैसा तो इतना नहीं है, लेकिन जो हरियाणा का दूध दही और खान पान है वो सबसे बड़ा मतलब उसकी एक ताकत हो पहलवान की। और कोच साहब इन तक बातचीत करें भाई, कितना समय लगे और किस तरह की मेहनत इस गुड़िया ने करनी पड़ी? कोच साहब राम राम। राम राम। क्या नाम आपका? मिस्टर संदीप। अच्छा संदीप, ग्रामीण क्षेत्र पे बात करा तो देखो शहरी क्षेत्र में तो बहुत ज्यादा सुविधाएं हैं प्लेयर के लिए, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में प्लेयर के लिए इतनी सुविधाएं नहीं होती, और फिर भी अपने हरियाणा के ही मतलब गाँव के बालक चाहे पे किसी भी गेम्स की बात करें सबसे ज्यादा मेडल लेके आवे हैं, तो आज या गुड़िया जो मेडल है कितनी के कुछ मेहनत करनी पड़ी और क्या कुछ आप इसको कहना चाहिए? देखो बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता जी, करीब करीब इन लड़की ने आज 6 साल 7 साल हो गए और इस 6 साल की मेहनत रंग लाने लग रही है और बहुत बढ़िया खेलने लग रही है जी लड़की। हमें सोचा आगे भी अब तो इंडिया लेवल पे, इस पर हरियाणा लेवल पे और इंडिया लेवल पे भी अपना नाम रोशन करे। अच्छा मतलब किस तरह की कोई मतलब आपने मतलब जो बच्चा तैयारी करा है ग्रामीण क्षेत्र में, तो किसी चीज़ की कमी भी महसूस हो है कि भाई सरकार में ये चीज़ देती तो शायद बच्चा और भी ज़्यादा मेहनत?
कमी तो सर सारी चीज महसूस हो है, लेकिन महसूस बच्चे ना होने को नहीं दिया, मेहनत इतनी करवाओ। फिलहाल जो जिस स्कूल के अंदर ये गुड़िया पढ़े हैं वो स्कूल से भी टीचर आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करांगे कि गेम के साथ साथ स्टडी भी, देखो स्टडी जरूरी है, तो उसके बारे में बातचीत करांगे। राम राम जी। राम राम। क्या है, क्या नाम मास्टर जी अपना? देवेंद्र सिंह नाम है, फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ मैं लितानी स्कूल में। तो ये गुड़िया बुगल है, प्लस टू क्लास की छात्रा हमारे स्कूल में, और बुगल को, इनके परिवार को, इनके गाँव को हमारे जी ट्रिपल्स लितानी स्कूल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ है। और ये गुड़िया डिस्ट्रिक्ट में हमारे स्कूल की, जो लितानी स्कूल से खेली थी ये, तो डिस्ट्रिक्ट में हमारी स्कूल की टीम फर्स्ट आई थी, और फिर मैं इनको स्टेट लेके गया था, स्टेट में फिर इशार का मेडल, गोल्ड मेडल था, तब इन चार लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था इशार से अपने। तो उनमें से एक और लड़की थी इनके साथ में हमारे स्कूल की थी, वो जा नहीं पाई किसी कारणवश, तो ये बुगल है और दो लड़कियां और थी, तो अब ये कर्नाटका में जो खेल के आई है वहाँ से गोल्ड मेडल लेके आई है, उसके लिए हम इनको तहे दिल से बधाई दे रहे हैं। सर देखो, जिस तरह मतलब कोई बच्चा पढ़ा है और उसके साथ साथ वो गेम में जावे तो उसको थोड़ी मेहनत और भी ज्यादा करनी पड़ जाए, तो इसका जो रुबल का आपने किस तरह का नेचर लगा जो पढ़ाई को, किस तरह मैनेज कर? पढ़ाई में भी बहुत बढ़िया है सर ये, और स्कूल के काम में भी बहुत अच्छी इसकी, एक बार तो है ना इसकी ये कोणी टूट गई थी एक बार काम करते हुए स्कूल में, मतलब ऐसे मतलब ये साफ सफाई का चल रहा था, वो चढ़ के ऊपर जाले जुड़े लगे तारण, और वो बेंच चल गया, हाँ जुझारू और शरारती भी, हाँ पढ़ाई में भी खेल में भी, मतलब किसी काम के लिए स्कूल में कोई काम होनी तो सबसे आगे रहते। देखो फिलहाल हसनगढ़ गांव की जो लड़की है उसने एक ऐसा कारनामा किया कि पूरा का पूरा गांव आज उसका स्वागत खातर खड़ा है, क्योंकि बेबे गोल्ड मेडल लेके आई है। तो बेबे तो फिलहाल ये बेबे एक करोड़ जो मतलब आप ये गोल्ड मेडल लेके आओ, इसके बाद में आगे का एम क्या है, अपना बड़ा सपना क्या है? एशियन गेम का, उसमें भी गोल्ड? यस सर। तो जो एक प्लेयर का सपना हुआ है जो गोल्ड लेके आया और उससे भी ऊपर फिर आगे बढ़ने का, वो सपना बेबे का है। आपने वीडियो कैसी लगी एक प्लेयर के लिए, एक हरियाणवी के लिए? इस वीडियो को ज्यादा शेयर और एक लाइक जरूर कर देना, और अगली वीडियो तक दे इजाजत, फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ आपका, अपना संदीप हरियाणा, जय भारत, जय हिंद।